शेखपुरा के सदर अस्पताल में कार्यरत 16 ममता कर्मियों का वेतन मार्च 2019 से भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए ममता कर्मियों ने एकत्रित होकर मीडिया के समक्ष अपनी परेशानियों के बारे में बताते हुए ममता कर्मी गीता कुमारी ने बताया है कि मार्च 2019 से वेतन बंद हो गया है। इस संबंध में कई बार अस्पताल अधिकारियों से बात भी हुआ है। ममता कर्मियों का कहना है कि शेखपुरा सदर अस्पताल की अपेक्षा हर अस्पताल में ममता कर्मियों का वेतन भुगतान हो रहा है, लेकिन शेखपुरा में मार्च 2019 से वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण ममता कर्मियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ममता कर्मियों में गीता कुमारी, मनका देवी, तनखी देवी, मामा देवी, अनिता देवी, मीरा देवी, मीना देवी, नीलम देवी, संगीत देवी, तेत्री देवी, तारा देवी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। बात करिएगा। पूछना पड़ेगा। पेमेंट नहीं मिल रहा। कितना दिन से? मार्च से अभी तक नहीं मिला है। आप लोग कार्यरत कब से हैं यहाँ? कार्यरत तो जब से खुली है अस्पताल तब से। पेमेंट आप लोग का मतलब कितना दिन से, क्या समस्या आ रहा है? फरवरी से समस्या का, फरवरी से मार्च से अभी तक नहीं मिला है। फरवरी होगी साल में। क्या था? कौन देते हैं पेमेंट? क्या बताते हैं कारण? क्या अलॉटमेंट नहीं आया है? अलॉटमेंट नहीं है। दूसरा जिला में सब मिल रहा है। पीएससी वगैरह में तो सब मिल रहा है। सब जगह से नहीं मिला। आप लोग कितना लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है? 16 लोग को। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।